वेलकम टू अभिषेक एजुकेशन फॉर एक्सलेंस। तो मिशन 2023 के जो हमारी जो जर्नी है अब वो एंड पे आ गई है। हम लोग अध्याय 12 शुरू करने वाले हैं और अध्याय 12 बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर मैं बात करूं, देखो ध्यान से आप समझना ना बात को, मैं क्या बोलने वाला हूं। इस जो गणित का जो हमारा जो अध्याय है उसमें से बहुत सारा जो अध्याय है वो अच्छे थोड़े से लेवल वाले हैं, टफ है, और कुछ कुछ अध्याय हमारे इजी भी। अगर मैं बात करूं कि सबसे इजी चैप्टर क्या होगा तो ये होगा। आपको कुछ भी, आपको 1 से लेकर 13 तक मैं अगर आपको कोई भी अध्याय अगर मैं बोलूं सबसे इजी क्या लगता है तो आप यही बोलेंगे ये अध्याय खत्म होने के बाद। इसका ऐसा है कि अगर आप 1-2 क्वेश्चन भी अगर कर लिए ना तो ये अध्याय खत्म हो जाएगा, इतना छोटा और इतना इजी है। और इसके बारे में हम लोग कक्षा ग्यारहवीं में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटीज, रैखिक असमीकरण कक्षा 11वीं में हम लोग पढ़ के आए हैं। बस अगर आपको वो कंसेप्ट याद है तो ये आपको इजी बन जाएगा, और अगर वो कंसेप्ट याद भी नहीं है, आपको कंसेप्ट नहीं आता वो 11वीं का, तो यहाँ पे तो मैं तो बताने वाला हूं ना एक एक चीज। मैं ऐसे थोड़ा ना कि दम चालू कर देता हूं और कुछ समझ में नहीं, अपन बेसिक से जाएंगे, जीरो से हीरो बनना और बनाना आता है। तो ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं तो कितने क्वेश्चन आने वाले, तो इसमें 1 क्वेश्चन आएगा, याद रखना 1 क्वेश्चन आएगा, और वो 1 क्वेश्चन 6 नंबर का होगा। 6 नंबर का होगा, सबसे ऐसा, मतलब ये ऐसा 6 नंबर है जो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बाकी 6 नंबर के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ जाएगा, ठीक है, लेकिन ये 6 नंबर सबसे इजी मिलता है। तो चलो आज की कक्षा को मैं शुरू करता हूं। चलो ध्यान से देखो, पहले तो मैं आप लोगों ने थोड़ा सा ग्राफ बनाने के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया देता हूं। मैं मान के चल रहा हूं आप लोगों को आता होगा, बट फिर भी ध्यान से देखना है। मैं एक वाई अक्ष खींचा और एक एक्स अक्ष, जो ना है एक्सिस, हम लोग को मालूम एक्सिस बनाते हैं, ठीक, मस्त स्केल पेन पेंसिल सब लेके बैठे रहो आप लोग, ठीक है। ये एक्स, ये वाई अक्ष, ठीक, ध्यान से देखते रहें। अगर मैं बोलूं आप लोग को ये बनाना है, ठीक है इधर भी देख लो, इधर भी बना लेते हैं। ये मेरा वाई अक्ष हो गया और ये एक्स अक्ष हो गया, बस ध्यान से देखते रहना। अगर ये समझ गया ना तो फिर तो खत्म हो गया आप, ये बस समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्स अक्ष वाई अक्ष होता है, ये माइनस एक्स और ये माइनस वाई, ठीक, ध्यान से देखते रहो। अभी तक हम लोग जो मालूम है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये ग्रेटर देन 3x - 2y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6 है। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2y है, तो इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर मैं बोल रहा हूँ ग्राफ बनाने के लिए, तो सबसे पहले ये जो असमीका है ना ग्रेटर देन इज इक्वल टू, इसको आप लोग सबसे पहले ना इक्वल टू कर लेना, इक्वल टू मानो। ग्राफ बनाने का मैं तरीका बता रहा हूं, तो आप लोग सबसे पहले करोगे 3x - 2y, इसको इधर लिखते हैं, यहाँ पे ग्राफ बनेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ किसके लिए है, 3x - 2y इज इक्वल टू 6 करना है आपको, बराबर 6 लेना है, बराबर, यहाँ पे बराबर लो, यहाँ पे क्या लोगे, x बराबर 2y, क्लियर है। सबसे पहले आप लोगों को पता चलेगा कि क्या लेना है, सबसे पहले बराबर लेना है। अब मेरे को अगर रेखा बनाना है तो 2 बिंदु की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना, x बराबर अगर मैं 0 रख रहा हूं तो मेरे को y की वैल्यू क्या मिल रही है, y की वैल्यू क्या मिलेगी, तो x की वैल्यू यहाँ पे मैं 0 रख दिया, 0 - 2y इज इक्वल टू 6, ये क्या हो जाएगा, माइनस टू वाई इज इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू क्या आई, इसको थोड़ा सा मेरे को ऊपर लिखना था, चलो ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 6/-2। तो y की वैल्यू क्या देख पा रहे हो कि -3 आ गया। तो x की वैल्यू अगर मैं 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई इसके केस में। तो x की वैल्यू मैं जब 0 रखा तो y की वैल्यू मेरे पास -3 आ गया, ये एक मेरे को मिल गया, ठीक है। अब x की वैल्यू जब मैं 0 रखा तो मेरे को y की वैल्यू मिली, अब y की वैल्यू 0 रख लेता हूं, अब y की वैल्यू मैं 0 रख लेता हूं, तो y की वैल्यू अगर मैं जब 0 रखा, और x की वैल्यू 0 रख लो, y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू 0 रख लो और x की वैल्यू निकालो, तो इसमें अगर ये इसमें, ठीक है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, y की वैल्यू 0 रख रहा हूं और x की वैल्यू निकालूंगा, तो y की वैल्यू 0 रखूंगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस
2 × 0 2 × 0 0 होता है इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू हो जाएगी 6/3। 6/3 क्या होता है? 6/3 क्या होता है? 2 होता है, ये 2। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 2। तो इसका निर्देशांक अगर मैं करूं तो क्या आने वाला है? यहां पे देखो, यहीं पे लिख देता हूं। अगर कोई भी ऐसे 0 और 2 लिखा तो गलत है। निर्देशांक में पहला, सबसे पहले x का निर्देशांक होता है और y, x कॉमा y होता है। ये 0 तो y है ना और 2 x है, तो ऐसा नहीं लिखना है। ध्यान से देखना कैसे लिखना है। फिर x पहले होता है और x की वैल्यू जब ये 2 है और y की वैल्यू क्या है? 0। तो ये मैं निकाल लिया, तो मेरे को यही करना था। सबसे पहले x की वैल्यू 0 रख के y की वैल्यू निकाल लो, फिर y की वैल्यू 0 रख के x की वैल्यू निकाल लो। क्लियर है? तो मैं बस यही किया। क्लियर है? यहां तक चलता कि नहीं बताओ? x की वैल्यू 0 रखा और y की वैल्यू -3 आ गया, x कॉमा y रहता है। यहां पे y की वैल्यू 0 रखा, मस्त y की वैल्यू क्या 0 होती है, तो x की वैल्यू आ गया, x कॉमा y होता है। तो ठीक है, इसमें देखते हैं। इसको देखो, पहले मेरे पास क्या आ गया? 0 कॉमा दो बिंदु आ गए, 0 कॉमा -3 और क्या आ गया? 2 कॉमा 0। ठीक है, तो पहला वाला बिंदु को प्लॉट करते हैं। 0 कॉमा -3, 0 ये x की वैल्यू 0 y अक्ष में होती है, 0 कॉमा -3, 0 कॉमा -3 ये होगा, ये x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -3। अब मैं ऐसे करके नहीं बताऊंगा आप लोगों, देखो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ऐसे। आप लोग क्या करना, स्केल से सीधी लाइन आप ड्रॉ करना और एक एक सेंटीमीटर के गैप में, गैप एकदम सेम होना चाहिए, एक एक सेंटीमीटर के गैप में 1 2 3 4 ऐसे करके बनाते जाना, एक एक सेंटीमीटर के गैप में ये आप लोग बनाएंगे। मेरे पास स्केल नहीं है करके मैं ऐसे रफली बनाऊंगा, लेकिन आप लोग बकायदा स्केल का यूज करके यहाँ पे बनाएंगे। तो ये 0 कॉमा -3 यहाँ पे आ गई, ये -1 होगा, ये -2 और ये -3, ये 0 कॉमा -3 वाला बिंदु है, 0 कॉमा -3 है ना, ये y अक्ष है, y अक्ष में x की वैल्यू 0 होती है, x की वैल्यू 0 और ये -1 -2 -3। अब ये क्या है? 2 कॉमा 0। देखो y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 x अक्ष में रहता है, x बोलता है x बोलता है x अक्ष में x का राज रहेगा, y 0, y बोलता है भाई y में y का राज रहेगा, x 0। तो ये क्या है? 2 कॉमा 0। मान लो x इज इक्वल टू 1 ये है, x इज इक्वल टू 2 ये, 2 कॉमा 0, ये 2 कॉमा 0। अब इन दोनों बिंदु को मिला दो, दोनों बिंदु को मैं मिला दिया। यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे ये कलर का ले लेते हैं, ये कलर का ले लो। चलो इन दोनों बिंदु को ऐसे करके मैं मिला, देखो यहां पे एक्यूरेट नहीं बन रहा है मेरा, यहां पे एक्यूरेट नहीं बन रहा है, क्योंकि देखे यहां पे देख रहे हो ये दोनों बिंदु स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए। अगर आप लोग बिना स्केल यूज करे बनाओगे तो आपके साथ भी यही होगा, ये दोनों बिंदु ऐसे मिलना चाहिए। ठीक है, इसलिए रेंडमली मत करना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो मेरा है, ये जो मेरा जो स्ट्रेट लाइन मिला मेरे को, ये किसके लिए निकाला मैं? 3x - 2y = 6 का ये एक लाइन है। ठीक है, ये ऐसे करके मैं लाइन बना दिया। अब मेरे को क्या करना है, यहां पे बताना है, इक्वल टू बता दिया मैं, इज इक्वल टू 6, मेरे को बताना है इसका, और ये है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6। मतलब ये तो मेरा लाइन है इक्वल टू में, ये इस तरफ बनेगा कि इस तरफ बनेगा, इसका क्षेत्र वो बताना है। तो कैसे करके बनाना है मैं अभी बता रहा हूं आप। सबसे पहले आप लोग ये निकाल लिए, इन दोनों पॉइंट को मिला दिए, सर्वप्रथम काम। दूसरा पॉइंट, या तो ये जो लाइन है वो इस तरफ बनेगा और इस तरफ बनेगा, या तो इस तरफ। तो कैसे पता चलेगा मैं बता रहा हूं, आप लोग क्या करना, इस लाइन में आया पॉइंट को छोड़ के, इस लाइन में अनंत पॉइंट आ रहे होंगे। देखो इस लाइन में कौन सा पॉइंट आया? 0 कॉमा -3। यहां कहीं पे भी कुछ आया होगा, यहां पे भी आया, देखो 2 कॉमा 0, यहां कहीं पे भी बहुत सारा आ रहा होगा। तो इस लाइन में आया पॉइंट को छोड़ के आप इधर के पॉइंट कुछ पकड़ लेना, या तो इधर के पॉइंट पकड़ लेना। देखो मैं इधर का पॉइंट पकड़ रहा हूं, तो ये एक भी ले सकता हूं मैं, ये 0.0 है, 0.0 ये भी ले सकता हूं, यहां पे वाला पॉइंट कुछ भी ले सकता हूं। मैं 0.0 ले रहा हूं, एक्स और वाई दोनों पे लेना है। ठीक है, अगर मैं ये लेता तो यहां पे एक्स की वैल्यू क्या है? 0, वाई की वैल्यू क्या है? 1, तो 0.1 लेता।
अगर मैं यहाँ पे कर लेता अगर मैं पॉइंट, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, इस लाइन के इधर का लो या इधर का लो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है मान लो 3 है, तो वाई की वैल्यू क्या है 0, तो ये मैं पॉइंट लेता। सबसे इजी पड़ता है ये 0,0, ठीक है, लेकिन इस लाइन में नहीं होना चाहिए, तो मैं 0,0 को लिया। तो 0,0 को हम चेक करेंगे किसमें, इसमें देखो ये क्या है 3x - 2y > 6। मैं 0,0 ले रहा हूं मतलब x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 अगर मैं पुट कर दूंगा तो 3 × 0 = 2 × 0 > 6। तो बताओ 0 > 6 क्या 0 6 के बराबर और 6 से बड़ा है, ये सही है क्या? नहीं है, सही नहीं है, ये सही नहीं है तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। हम लोग किसके लिए चेक करे थे, इस तरफ के लिए चेक किए थे, और इस तरफ सही नहीं हुआ, इसका मतलब इसका जो ग्राफ है वो इस तरफ बनेगा, इस तरफ बनेगा। बस थोड़ा सा ध्यान देना, रुक जाओ, मैं सब समझा रहा हूं आप लोगों को, आप लोगों को मैं सब समझा रहा हूं, बस थोड़ा सा ध्यान देना। मेरे को देखना था इस तरफ बनेगा कि इस तरफ, तो मेरा जो है ओवरऑल जिसका छायांकित क्षेत्र है वो इस तरफ बनेगा, ठीक है। तो इधर का जो पूरा है ना, ये पूरा होगा स्केल, ठीक है। इधर क्यों नहीं हुआ, इधर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैं 0,0 से चेक किया और ये देखो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, उसका मतलब ये जो क्षेत्र है इस बिंदु से होते हुए नहीं जाएगा, ऐसे करके नहीं जाएगा, इस तरफ नहीं जाएगा, इसको काटते हुए नहीं जाएगा। अगर सत्य हो जाता तो इस तरफ करते, अब इसमें और क्लियर होगा, ध्यान से बस देखते रहे। सबसे पहले मैं क्या बोला, इसको इज इक्वल टू 0 कर लिए, सब कर लिए, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर से लेते हैं तो हम लोग को ज्यादा बेटर लगेगा। सबसे पहले मैं बोला जो भी आप लोग को दिया है उसको इक्वल टू कर लो। अब x की वैल्यू 0 कर रहा मैं, तो y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 कर दूंगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगा, 2 इधर आ जाएगा, 0/2, तो y की वैल्यू भी 0 मिला, y की वैल्यू भी 0 मिला। यहां पे x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी मेरे को 0 मिला है, क्लियर है। अब क्या करूंगा, y की वैल्यू अगर मैं 0 लिया, ध्यान से समझना, y की वैल्यू अगर मैं 0 लिया, y की वैल्यू 0 लिया तो x is equal to 0 मिलेगा, मतलब y की वैल्यू अगर मैं 0 लिया तो मेरे को देखो x की वैल्यू भी 0 ही मिलेगी। ये दोनों तो सेम हो गया, सेम हम लोग को नहीं लेना है, कुछ भी दूसरी वैल्यू लो, फिर आप कुछ दूसरी वैल्यू लो। तो आप क्या करोगे, हम लोग को दोनों वैल्यू क्या है, सेम मिल रहा है, हम लोग को दोनों वैल्यू सेम मिल रहा है। यहां पे भी 0,0 मिल रहा था, y इक्वल टू 0 रख रहा तो भी मैं 0 मिल रहा था, तो y की कुछ दूसरी वैल्यू ले लो, इस केस में y की कुछ दूसरी वैल्यू ले लो, y की वैल्यू 1 ले लो। जब आप y की वैल्यू 1 लोगे तो क्या होगा, x बराबर 2 × 1, y की वैल्यू 1 लिया तो x बराबर 2 हो गया। तो यहां पे क्या मेरे को निर्देशांक बना, पहले x का लेते हैं 2,1। अब 0,0 कहां पे होता है, यहां पे होता है 0,0, ये 0,0। अब 2,1, x में 2 y में 1, मान लो ये x में 2 है और ये y में 1 है, तो यहां पे बनेगा ये वाला पॉइंट, ये ऐसे x में 2 और ये y में 1, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा, यहां पे x 2 है और y 1 है, क्लियर है। अब क्या करूं, ज्वाइन कर दो इसको, मैं क्या किया, ये ज्वाइन कर दिया यहां पे, आप लोग बकायदा स्केल से मिला के बनाइएगा, ये क्लियर है। अब हम लोग को क्या देखना है, जो इसका जो छायांकित क्षेत्र है वो इस तरफ बनेगा कि इस तरफ बनेगा, क्लियर है। अब हम लोग, मैं क्या बोला था कि जो इस रेखा में जो पॉइंट आएगा उसको नहीं लेना है। तो देख रहे हो अभी मैं 0,0 को ले लिया था क्योंकि इस लाइन में नहीं था 0,0। अब 0,0 नहीं ले सकता क्योंकि इस लाइन में 0,0 है, तो आप कुछ भी ले लो। मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूं, आप ये भी ले सकते हो। ये वाला पॉइंट क्या होगा, एक्स की वैल्यू यहां पे क्या होगी, एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 0 है। यहां पे क्या है, एक्स की वैल्यू वाई अक्ष में, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1, आप कुछ भी ले सकते हो। अगर मैं इधर का चेक कर रहा हूं और ये कंडीशन सही हो गया तो इधर बनेगा छायांकित क्षेत्र, अगर कंडीशन सही नहीं हुआ तो इधर बनेगा छायांकित केस, इस केस में भी वैसे ही है। तो चलो मैं 0,1 को लेके चेक करता हूं, तो x की वैल्यू यहां पे x > 2 आया, तो x की वैल्यू 0 डाला
और y की वैल्यू 1 डाला तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। ये सही है क्या? ये तो सही नहीं है, मतलब इस तरफ नहीं जाएगा, इस तरफ नहीं जाने वाला छायांकित क्षेत्र, तो किस तरफ जाएगा? इस तरफ जाएगा, ये ऐसा। अगर कोई बोलोगे कि सर इसको लेके बताओ, इसको लेके बताओ, देखो 2,0 x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2y, x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, तो 2 इंटू 0 तो 2 ग्रेटर देन 0, क्या 2 बड़ा है 0 से? हाँ 2 बड़ा है 0 से, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ इस बिंदु के लिए, मतलब इस तरफ जाएगा, इस बिंदु को चिरते हुए जाएगा, मतलब छायांकित केस ये बनने वाला है। तो समझ में आया? तो जो आपका सेटिस्फाई हो गया, उस तरफ हम लोग को बना देना, क्लियर है क्या? ये अगर सीख गए, यही है प्रथम पढ़ाओ तो यही है, क्लियर। अब यहां पे देखो, ये आप लोग सीख लो भाई कैसे बनाते हैं। यहां पर देखो एक्स और वाई, यहां पे एक्स और वाई दो वेरिएबल है, एक्स और वाई ये। अब यहां पे एक ही है, यहां पर देखो यहां पे एक ही है, ध्यान से बस देखना। तो एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस वन, तो ये होगा x इज इक्वल टू माइनस वन, ये वाला लाइन होगा, ये वाला लाइन होगा, ये होगा मेरा x इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। सबसे पहले मैं बोला था ग्राफ बनाने के लिए इक्वल कर लेना, तो x इज इक्वल टू माइनस वन का ग्राफ बना दिया। अब ये बोल रहे हैं कि x बड़ा है और बराबर है माइनस एक से, बड़ा है तो इसी तरह बनेगा, बड़ा है तो ऐसे कर दो। y यहां पे क्या है, ये x एक्सिस y लेस देन इज इक्वल टू माइनस टू, तो y माइनस टू इस तरफ होगा, ठीक है, ये तो मालूम होगा आप लोग, y इज इक्वल टू माइनस टू। ये क्या बोले, y की वैल्यू छोटी है, मतलब इस तरफ कर, ये y की वैल्यू छोटी है इस तरफ, या तो आप चाहो तो चेक कर सकते हो 0,0 में, लेकिन यहां पे तो एक ही है ना, तो मत करना। तो ये y इज इक्वल टू 2 से छोटी है तो इस तरफ, y इज इक्वल टू माइनस 2 से ना, यहाँ माइनस 2, ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस 2 से छोटी तो इधर जाएगा, अगर बड़ी है तो इधर जाएगा। देखो y की वैल्यू इस तरफ बड़ी होती है, माइनस 2 है तो माइनस 1, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, बड़ी होती तो इस तरफ जाती। x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, तो ये यहां पे बनेगा। अब ये क्या बोला है, x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, 0 से बड़ी किस तरफ होती है, x की वैल्यू ये है, इस तरफ होगी, ठीक है। यहां पे तो होता है ना 1, 2, 1, 2, इस तरफ तो छोटी होती है, इस तरफ तो छोटा होता है। y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, तो y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0, तो ये x अक्ष में होता है, y इज इक्वल टू 0 x अक्ष में होता है। ये बोल रहा है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ग्रेटर देन, y की वैल्यू ग्रेटर देन मतलब इस तरफ होगी, देखो y की वैल्यू तो यहीं पे ग्रेटर होती है क्या, 1, 2 है ना, तो इस तरफ बनेगा, ग्रेटर बोले इस तरफ, समझ में आया। अब यहां पे देखो ये इंपॉर्टेंट है पूरे क्वेश्चन के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रख, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, x 0 कौन से अक्ष में होता है, y में। अब ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 बोला है मतलब इस तरफ। अब y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 बोला है, तो y इज इक्वल टू 0 ये होता है। अब यहां पे देखो y ग्रेटर देन बोला है मतलब ऊपर की ओर आएगा। ऐसे केस में हम लोगों को कॉमन क्षेत्र लेना पड़ता है, कॉमन क्षेत्र। तो अगर मैं इसको बनाऊं, इसका मैं कॉमन क्षेत्र मेरे को चाहिए तो क्या बनेगा इसका कॉमन क्षेत्र, ये यहां पे ऐसा कर लो, यहां पे एक्स अक्ष ये वाई। कॉमन क्षेत्र क्या होगा, कॉमन क्षेत्र वो होता है जिसमें इसका भी छायांकित क्षेत्र और इसका भी छायांकित क्षेत्र दोनों आए। तो देखो अगर मैं इस चतुर्थांश की अगर मैं बात करूं तो यहां पे ध्यान से देखोगे तो y वाला ही कंडीशन आया है, y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 वाला, इसमें x का तो आया ही नहीं। अगर मैं इस चतुर्थांश की बात करूं तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 वाला आया, y वाला नहीं आया, इस चतुर्थांश में तो कुछ नहीं आया है। लेकिन अगर मैं पहले चतुर्थांश की बात करूं तो देखो दोनों का वर्ग हो गया,
यहाँ पे x ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो भी है, y ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो भी है। तो ऐसे केस में हमारा जो मेन जो आंसर होगा वो सिर्फ इतना होगा पहले चतुर्थांश में, ठीक है। तो पहले चतुर्थांश में होगा, तो जो इसका इसके लिए x ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो और y ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो के लिए जो मेरा कॉमन रीजन होगा वो सिर्फ इतना होगा, इस तरफ वाला नहीं होगा। तो आप लोग अभी प्रश्न आने वाला है, पहले ही प्रश्न आएगा, हर प्रश्न में देखो ये कंडीशन है y ग्रेटर देन और इज इक्वल टू जीरो हर क्वेश्चन में। तो इसका मतलब ही होता है कि प्रथम चतुर्थांश ये देखो पहला चतुर्थांश में हो, ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा चतुर्थांश होता है और ये तीसरा चतुर्थांश होता है और ये चौथा चतुर्थांश। तो जब कभी भी क्वेश्चन में x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो y ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो बोल दिया, मतलब हम पहले चतुर्थांश में गेम खेलेंगे, पहले चतुर्थांश में ही गेम खेलेंगे। तो ये पहला लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को मैं पूरा बताया, फिर वो क्या है कैसे करना है पूरा बताया। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन पहला है, तो आप लोग क्वेश्चन पहला जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन वन बताने वाला हूं, तब तक आप लोग इसको समझ चुके हो क्या, आप लोग ये पूरा समझ चुके हो क्या, मेरे को बताओ कैसे क्या करना है, समझ चुके हो क्या। तो ठीक है बच्चों, अगर आप लोग समझ गए हो तो मैं सेशन को भी यही एंड कर रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन की श्रृंखला हम लोग चालू करेंगे। मिलता हूं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।